मित्रों, आज के इस वीडियो में आज हम आपके लिए शमी के वृक्ष के बारे में कुछ जानकारी देंगे। शमी का पौधा हमें अपने घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और यदि लगाना चाहिए तो किस दिशा में लगाना चाहिए, यह व्यक्ति के लिए शुभ होता है या अशुभ होता है, इसके किस प्रकार के परिणाम हमारे जीवन में पड़ सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने के लिए जा रहे हैं। यदि आप उत्सुक हैं, आप इस विषय पर कुछ जानना चाहते हैं शमी के पौधे के बारे में, तो फिर आप इस वीडियो को सुनेंगे तो बहुत सारी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित हरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, हमारे भारतवर्ष में अनेक नदियां हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, इन सबको किसी न किसी रूप में पूजा जाता है। जैसे कि नदियों में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ये प्रमुख नदी है जिनकी व्यक्ति पूजा करता है। इसी प्रकार से पेड़ पौधों में जैसे पीपल का वृक्ष है, शमी का वृक्ष है, ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं जिनकी कि हमारे यहाँ पर पूजा की जाती है, जिन्हें सम्मान दिया जाता है। बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो आयुर्वेद के हिसाब से लोगों के लिए काफ़ी फायदेजनक सिद्ध होते हैं। शमी के पौधे को यदि देखा जाए, जिसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, यदि औषधीय दृष्टि से देखा जाए तो यह बहुत ही लाभकारी पौधा होता है। इससे व्यक्ति की पित्त में यदि खराबी है, सांस लेने में खराबी है, रक्त में यदि विकार है, पाचन शक्ति यदि उसकी कमजोर है, तो ये सारी चीजें इस पौधे के माध्यम से लोग जड़ी इसकी रस से, जो पत्तियों का रस रहता, उससे वैद्य जो है इन सब चीजों को दूर करते हैं। वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो वास्तु के हिसाब से भी शमी का वृक्ष घर में लगाना शुभ माना जाता है। इसे किस दिशा में लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए और यह वृक्ष क्यों उपयोगी है, उसके बारे में जानकारी देते हैं आपको। शमी का वृक्ष जो है, इसमें ऐसी मान्यता है कि इसमें शनि ग्रह का प्रभाव होता है, शनि ग्रह का इसमें वास होता है। दो वृक्ष ऐसे माने गए हैं जिसमें शनि का प्रभाव होता है, एक पीपल का और दूसरा शमी का। पीपल का वृक्ष जो कि वो कोई छोटा पौधा नहीं होता है, बहुत बड़ा वृक्ष होता है, विशालकाय होता है, उसे आप अपने घर में स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप अपने घर में लगाएंगे तो वो आपके घर को पूरा, उसकी जड़ें इतनी अंदर तक जाती हैं कि आपके घर को जो है वो खोखला कर सकता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बता दिया जाता है कि पीपल का पौधा नहीं लगाना चाहिए, धर्मशास्त्र के अनुसार ही पीपल का आपके लिए घर में लगाना, इसलिए वर्जित गायत्री साधना के बारे में बताएं। इसकी जो जड़ है वो घर को कमजोर की गायत्री साधना विशाल का वृक्ष कई बार लोग विधि विधान से योग करते घर में नहीं लगा सकते, इसके बाद जो उसकी पूजा अर्चना की जाती है शांति के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस वीडियो के लिए आप इसी प्रकार से सुनेंगे तो पौधा जो होता है निश्चित रूप से आपकी समस्त शंकाओं का समाधान। इस शमी का जो पौधा है यदि आप अपने घर में लगाते हैं, राधे राधे, खासकर जब आप घर से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते समय जो आप गायत्री महामंत्र यानी दाहिने तरफ होता है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं दाहिने तरफ यदि आप उसको लगाते हैं तो वो आपके लिए शुभ माना जाता है।
शनि के वृक्ष को आप अपने घर के बगीचे में भी लगा सकते हैं। स्वाहा तत्सवितुर्वारे अन्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपको लगाना है अखंड मंडलाकारम दक्षिण व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों तो फिर आप उसको छतई बार पूर्व या ईशान को बहुत सारे लोगों के साथ में बाहर भी आपकी घंटा के बाहर जो है वो आप उसे गायत्री की साधना तो करते हैं स्थापित कर सकते हैं और पूर्ण विधि विधान से करते हैं। समीप पौधे को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए जिस प्रकार के पश्चात एक प्रकार के जो गमले होते हैं जो परिणाम सुंदर सुंदर वृक्ष अन्य लोगों को होते हैं जल्दी प्राप्त हो जाते हैं घर के अंदर उन्हें लगा उन्हें प्राप्त। तो कभी भी शमी के वृक्ष को जो है जिस कारण से व्यक्ति बड़ा अधीर हो जाता है अपने घर के अंदर नहीं और फिर उसके जो है दिमाग में किस दिन लगाना चाहिए ये अंकार होगी शनिवार के दिन शमी के सर्वप्रथम तो गायत्री साधक को कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए उस दिन आपको जो है कहीं से भी प्रकार की दिमाग में कहीं से भी गंदी नाली से गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र लेकर के जाने शुद्ध मट्टी लेकर के आने जिसे उसको गंगा जो भी व्यक्ति जपता है गमले में उसको उसे यदि और फिर ज्यादा लाभ नहीं होता है पश्चात में शनि मंत्रों को उच्चारण के साथ आपको जो है कम लाभ जरूर होगा लेकिन लाभ होगा जरूर घर में इसमें किसी प्रकार का बगीचे व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। विजयादशमी का दिन ऐसे शनि कई बार क्या होता है शुभ माना जाता है कि हमारे कुछ प्रारब्ध दशमी के दिन यदि आप इस प्रकार के आड़े आ जाते हैं कि हमारी साधना का कुछ अंश जो है उन्हें काटने में लग जाता है ग्रहों की दृष्टि से यदि देखो हमें ज्ञात नहीं होता शनि शनि के वृक्ष पिछले जन्मों में क्या किया था क्या अच्छे कर्म किए थे क्या बुरे कर्म किए थे तो जब हम गायत्री में साधना करते हैं शाम के समय तो हमारे जो दीपक जला पुराने उस शनि ग्रह से आप जो दूषित कर्म है तो गायत्री मंत्र उनको काटने में शनि की साढ़े सात ही चल रही है शनि जो है ये चल रही है अपनी ये शनि के महादश अच्छे में लगा देता है जो कि आपकी इसलिए कई बार लोगों को कुछ समय लग जाता है शनि का वृक्ष जो है भले काम में आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। माधवाचार्य का आपने नाम सुना शनि के वृक्ष के द्वारा घर की उन्होंने 12 वर्षों तक जो वापस ली लाई जा तपस्या की घर में अधिकारी के 12 वर्ष चरण होने उसको दूर की जा सकती है लक्ष्मी उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा हुआ था कि घर में यदि पुरुष चरण करने से माँ गायत्री का साक्षात्कार हो जाए तो शनि के लेकिन जब वो 12 गायत्री के पुरुष चरण कर लेकिन इसके पश्चात भी उन्हें उसके कुछ उपाय गायत्री का साक्षात्कार नहीं हुआ तो बड़े छुट्टियों के माध्यम से बताएंगे बड़े दुखी हो गए माध्यम एक दिन वो इन सब सारी चीजों को शहर में बनारस में शनि के वृक्ष घूमने के लिए निकले लगा सकते तो वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति चीज का ध्यान रखना है कि ऐसी जगह बनारस में से जहाँ पर कोई कहीं फल निकाल रहा है जहाँ पर कोई गंदा जैन निकाल रहा है कहीं घड़ी निकाल रहा है शुद्ध जगह पर निकाल रहा है उसको उस पौधे को सोना निकालना चाहिए नियमित उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ अपने घर में और उन्होंने सोचा कि मैंने गायत्री की कितनी साधना की लेकिन मेरे पास में इस प्रकार की शक्ति नहीं है तो निश्चित एक साधारण व्यक्ति के पास में सिद्ध होगा। तो आशा में थोड़ी देर तक खड़े रहे जब सारे लोग वहां से चले गए और यदि आपको उस व्यक्ति के पास रहने पर और उनसे पूछा कि भाई तुमने ऐसी कौन सी अच्छी लगी सिद्धि प्राप्त हमारे विचारों की तुम्हें सारी चीजें जो है तो आप हमारे करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उन्होंने बोला कि मैंने भैरव को सिद्धि किया है लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने उन्होंने उससे प्रार्थना की कि आप ये बंदा कुछ वो भी इन सब चीजों का लाभ ताकि मैं भी भैरव को सिद्धि करूं इन्हीं कामनाओं के साथ में उन्होंने वह मन माधवाचार्य जी को मस्त रहे माँ गायत्री की जब माधवाचार्य जी ने ऊपर बनी हमें आज्ञा भैरव के मंत्र की आराधना की तो